मनोज सिन्हा को जब से जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है तब से विकास कार्यों के लिए ताबड़तोड़ उनका ऐलान जारी है। इसी क्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। एक तरफ वो जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूपी के लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि काश ये ऐलान यूपी में हो रहे होते। जाहिर तौर पर लोग उस दौर को याद कर रहे हैं जब मनोज सिन्हा को यूपी का सीएम बनाए जाने की चर्चाएं काफी तेज थी। खैर आइए आपको मनोज सिन्हा के हवाले से ही इस नए ऐलान के बारे में बताते हैं। शनिवार को मनोज सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है। इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी लिए गए हैं जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है। उन्होंने आगे बताया कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव किया जा रहा है। इसमें 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे मदद कर रहा है। इसके अलावा एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष मदद की ये योजनाएं जाहिर तौर पर घाटी में विश्वास बहाली का काम करेंगी। धारा 370 के समाप्त हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसे में लेने के लिए ऐसी ही विकास की योजनाओं और सहायता की दरकार है। ऐसे में मनोज सिन्हा का प्रशासकीय कौशल सरकार के काम आ रहा है और वे नए जम्मू कश्मीर बनाने के काम को प्रभावी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।